जो गठबंधन है वह जनता दल यूनाइटेड में बैठे पीएफआई समर्थक की बिहार सरकार के अफसर पूरे तौर पर पीएफआई की गतिविधियों में संलिप्त है। सबसे दुखद बात तो यह है कि यह प्रश्न 2017 में भी पूछा गया नीतीश कुमार से सीधा इल्जाम है। बिहार बोर्ड की तरफ से सातवीं क्लास में हाफ ईयरली एग्जाम हुआ है, उसमें एक सवाल आया है, उस सवाल को श्रीनगर को देश बताया गया है, यानी श्रीनगर जो है वो दूसरे देश में आता है, ये सवाल पूछा गया है। इस सवाल के बाद जो है बिहार की राजनीति पूरी तरीके से गर्म हो चुकी है और दोनों पार्टियों की तरफ से यानी बीजेपी और महागठबंधन की तरफ से अब बयानबाजी भी हो रहे हैं। वहीं भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने सीधे तौर पर कहा है कि महागठबंधन और जो नीतीश कुमार यानी बिहार सरकार के जो अधिकारी हैं उनके बीच जो है साठगांठ है पीएफआई का, कहीं ना कहीं पीएफआई को संरक्षण दिया जा रहा है महागठबंधन के नेताओं के द्वारा और कई ऐसे अधिकारी हैं जिनके साथ उनका साठगांठ है, इसके वजह से ये सवाल आया है। कहीं ना कहीं सीमांचल के उसी इलाके में जहाँ मुस्लिम बहुमल क्षेत्र है खास तौर पर ये सवाल पूछे गए। आपको बता दें कि ये सवाल है क्या, आखिर जिस तरीके से सातवीं क्लास में एग्ज़ाम हाफ ईयरली हुआ है उसमें एक सवाल पूछा गया है कि श्रीनगर को जो है भारत को, भारत में रहने वाले को भारत क्या कहते हैं, तो उसी तरीके से नेपाल में रहने वाले लोगों को क्या कहते हैं और उसी तरीके से जो है श्रीनगर में रहने वाले लोगों को क्या कहेंगे, यानी कहीं ना कहीं श्रीनगर को भारत से अलग बताया गया है। इसको लेकर अब बिहार में सियासत शुरू हो गई है। क्या कुछ कह रहे हैं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल, जरा वो बयान पहले आप सुने। जब महागठबंधन बना था तभी मैंने इस बात का इल्जाम लगाया था कि यह जो गठबंधन है वह जनता दल यूनाइटेड में बैठे पीएफआई समर्थक सरकारी अफसर और राजद में जो पीएफआई के समर्थक उन दोनों के बीच के नापाक गठजोड़ का यानी पिछले शनिवार को अररिया, किशनगंज और पूर्णिया में सातवें क्लास के बच्चों से सरकारी जो हाफ ईयरली एग्जाम होता है उसमें प्रश्न पूछा जाता है कि चाइना में रहने वालों को अगर चाइनीज कहते हैं तो इंग्लैंड में रहने वालों को क्या कहते हैं, नेपाल में रहने वालों को क्या कहते हैं, कश्मीर में रहने वालों को क्या कहते हैं और भारत में रहने वालों को क्या कहते हैं। इस तरह का प्रश्न पूछना यह बताता है कि बिहार सरकार के अफसर पूरे तौर पर पीएफआई की गतिविधियों में संलिप्त है। यह प्रश्न केवल सीमांचल के ही बच्चों से पूछा जाता है जो शर्जिल इमाम का एजेंडा है कि हम चिकन नेक को अगर पकड़ लेते हैं तो हम नॉर्थ ईस्ट को अलग कर लेंगे। वहाँ के बच्चों में बिहार सरकार के अफसर अलगाववादी मानसिकता का पोषण कर रहे हैं। सबसे दुखद बात तो यह है कि यह प्रश्न 2017 में भी पूछा गया था और उस समय यह कहा गया कि जो भी इसका दोषी होगा उस पर कार्रवाई होगी। आज तक 2017 में इस प्रश्न के पूछे को सेट करने वाले अपराधी को गिरफ्तार नीतीश कुमार जी ने नहीं किया है, क्योंकि देश विरोधी गतिविधियां, खास करके जो भी गतिविधियां एक तरह से आतंकवाद का पोषण करती हैं, नीतीश कुमार जी के अफसर उनमें शामिल रहते हैं। इस मुद्दे को भारतीय जनता पार्टी हर कदम पर विरोध करेगी और मेरा नीतीश कुमार से सीधा इल्जाम है कि वह और उनके सरकार के शिक्षा के प्रधान सचिव और इस बिहार के प्रधान सचिव तीनों की मिलीभगत से इस तरह की बातें हो रही हैं। कल को यह 2047 को लेकर के भी जो गजवाए हिंद की बात हुई है उस पर भी यह प्रश्न पत्र सेट करेंगे। इस तरह के लोगों पर कार्रवाई नहीं होती है तो बिहार में हर जगह आंदोलन होगा और नीतीश जी को मैं चेतावनी देता हूं कि आप भारतीय जनता पार्टी से लड़िए, आप भारत से लड़ने का काम कर रहे हैं, आप देश विरोधी ताकतों के साथ मिलकर करने का काम कर रहे हैं। 2017 में जो अपराधी थे
ना शिक्षा मंत्री ने उस समय कोई कार्रवाई किया, ना शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव ने कार्रवाई किया, और एक सोची समझी नीति के तहत आज जब महागठबंधन की सरकार बनी है तो PFI के संरक्षण में सातवें क्लास का प्रश्न पत्र सेट कराया जा रहा है। इसके लिए हम बिहार में हर जगह युवा मोर्चा इसके खिलाफ आंदोलन करेगा। शिक्षा, तो आपने सुना कि किस तरीके से संजय जायसवाल ने जवाब दिया है और कहा है बिहार सरकार से कि कहीं ना कहीं बिहार सरकार के अधिकारियों का साठगांठ है PFI के साथ, जिसके वजह से सीमांचल के इलाके में ये सवाल पूछे गए हैं सातवें क्लास में। कहीं ना कहीं ये दुर्भाग्यपूर्ण है इस तरह के सवाल पूछना, और जो आतंकवादी संगठन है उससे साठगांठ बताया है जो PFI का है। इस मामले को लेकर जो है पूरी तरीके से सियासत गर्म है। वहीं आपको बता दें कि 2017 में भी इस तरह के सवाल पूछे गए थे, अब तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई, संजय जायसवाल ने नीतीश सरकार से पूछा। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए आप बने रहें देश न्यूज़ के साथ, और देखते रहें देश न्यूज़।